सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। एकादशी अगर सोमवार के दिन पड़े तो जीवन में भौतिक सुख और धन देने वाली एकादशी मानी जाती है। सोमवार को शिव जी की भक्ति के साथ अगर एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु का भी योग बन जाता है, तब भोलेनाथ पर अगर आप जल के साथ कई छोटी छोटी चीज़ें चढ़ाते हैं तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनके नाम मात्र से ही सुख बरसने लगता है। तो दोस्तों, सोमवार एकादशी का ये जो संयोग है आपकी किस्मत को बदल सकता है पूरी तरह। देखिए, हमारे शास्त्रों के मुताबिक भगवान शंकर, भोलेनाथ और भगवान विष्णु एक ही ईश्वर के दो स्वरूप हैं। अब दोनों का भेद करने वाला दोष का भागी बन जाता है, यानी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि भगवान विष्णु शिव जी को पूजते हैं और शिव जी भगवान विष्णु को पूजते हैं। इसलिए इस शुभ योग में विष्णु भगवान और शिव जी की पंचोपचार पूजा यानी 5 तारीखों से पूजा करनी चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो शिवलिंग पर एक लोटा जल घर से भरकर ले जाइए, अर्पित करें। अब चंदन रुई में थोड़ी सी आप इत्र लगाइए, गुलाब की या चंदन की, अर्पित करें। कुछ मीठा प्रसाद और दिया तो आपको घी का जलाना चाहिए जरूर इस दिन। इसके बाद नमः शिवाय का जप करें या फिर भगवान विष्णु का महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। ओम विष्णु बल्लभाय नमः, ओम शंकराय नमः, कोई भी एक मंत्र आप जप सकते हैं। अब आप अभिषेक कैसे करेंगे, सबसे पहले भगवान को आप फल या दूध से बनी हुई मिठाई अर्पित करें। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, अगर जीवन की परेशानी से आप छुटकारा चाहते हैं या मनोवांछित कामना है आपकी, तो शिवलिंग पर आपको मीठी चीज जरूर अर्पित करना चाहिए और शिव जी का मंत्र भी जपते रहना चाहिए। अगर मन की समस्या है, परिवार में कलह क्लेश है, तकलीफें ज़्यादा है, तब शिवलिंग पर दूध जरूर अर्पित कीजिए और ऐसे करके आप अगर शिव जी की पूजा करते हैं तो जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आती है। अगर शिवलिंग पर घी अर्पित करते हैं तो संतान की वंश की वृद्धि होती है और अगर शहद अर्पित करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। हर तरह से की सुखों को प्राप्त करने के लिए आप गन्ने का रस अर्पित करें और सुख सुविधाओं, भौतिक सुख जो शुक्र से जोड़कर देखा जाता है, इसको पाने के लिए रुई में थोड़ा सा इत्र लगाकर अर्पित करें। अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल जरूर अर्पित करें और वो एक विशेष चीज जो एकादशी की तिथि पर शिव जी को जरूर अर्पित करनी चाहिए वो है जनेऊ। इसके साथ ही अगर आपके लिए संभव हो तो वहीं पर बैठकर नमः शिवाय का जप करें और सूर्यास्त के बाद एक ऐसे शिव मंदिर में जाए जो जहां पर थोड़ी सी एकांत हो, वहां पर एक घी का दिया जरूर जलाएं।